राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास के 17वें दिन की कथा श्रवण करेंगे। इससे पहले 16वें दिन की कथा के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप सभी महात्म्यों को श्रवण कर पुण्य के भागीदार बन सकते हो। आज की कथा में भगवान शिव द्वारा जलंधर के वध की कथा को आप श्रवण करेंगे। इससे पहले 16वें अध्याय में भगवान श्री हर वृंदा का पति व्रत धर्म भंग करने के लिए जलंधर के राज्य में जाते हैं। इधर वृंदा को रात में बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, अतः वह चित्त की शांति के लिए एक बगीचे में भ्रमण करने लगती है। तभी वहां उसे दो भयंकर राक्षस दिखाई देते हैं और वह डर कर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक मुनि दिखाई देते हैं, वह राक्षसों को भगा देते हैं। जब वह जलंधर के विषय में उन मुनि से पूछती है तो श्री हरि रूपी मुनि के दो बंदर जो श्री हरि के द्वारपाल जय विजय थे, वह जलंधर के सिर और धड़ को लेकर उसके पास आते हैं। तब वह जलंधर को श्री हरि रूपधारी मुनि से उसे जीवित करने की वृंदा प्रार्थना करती है। मुनि स्वयं जलंधर का रूप धारण कर उसके सामने उपस्थित होते हैं। यह देख वृंदा श्री हरि रूपी जलंधर के साथ रमण करने लगती है। कुछ ही दिनों बाद उसे यह बात पता चलती है कि ये तो श्री हरि विष्णु हैं, तो वह उन्हें श्राप देती है कि तुमने मेरे साथ छल किया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हें भी अपनी पत्नी के वियोग में बन बन भटकना पड़ेगा। और वह चिता तैयार कर उसकी अग्नि में प्रवेश कर जाती है। भगवान श्री हर वृंदा के मोह से वशीभूत हो उसकी चिता की राख में लौटने लगते हैं। इससे आगे की कथा में महर्षि नारद जी राजा प्रथु को सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, जलंधर महादेव को अपने से अधिक पराक्रमी जानकर मायावी पार्वती को बनाता है। जब भगवान शिव माता पार्वती को रथ से बंधी हुई शंभ और निशंभ दैत्यों द्वारा उन्हें मारते हुए देखते हैं, तो भगवान शिव के हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है और वह अपने पराक्रम को भूलकर एक जगह स्थिर आंखें नीचे की ओर करके खड़े हो जाते हैं। यह देख जलंधर तीन बाण भगवान शिव के सिर पेट और सीने में मारता है, जो शरीर को भेद डालते हैं। तब श्री हरि भगवान शिव को सचेत करते हैं कि यह जलंधर द्वारा रची हुई माया है। यह सुन शिव जी सचेत हो जाते हैं और क्रोध में आकर ज्वाला के समान प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे रूप के आगे कोई भी दैत्य उस रूप का सामना नहीं कर पाता और शंभु निशंभ सेनापति सहित सभी दैत्य दसों दिशाओं में जिसे जहाँ भी छुपने का स्थान मिलता है वह वहीं भागकर छुप जाता है। तभी भागते हुए शंभु और निशंभ को देख भगवान शिव उसे श्राप देते हैं, तुम युद्ध भूमि को छोड़कर भाग रहे हो, अतः तुम्हारी मौत पार्वती के हाथों निश्चित है। इसके बाद जलंधर भगवान शिव के ऊपर पहने बाणों की वर्षा करता है, जिससे समस्त भूमि बाणों से फट जाती है। भगवान शिव शीघ्रता से उसके बाणों को काटते हैं। तब तक जलंधर नंदी के ऊपर इस प्रकार प्रहार करता है कि वे युद्ध को छोड़कर भागने लगते हैं। महादेव के कहने पर भी जब नंदी नहीं रुके, तब भगवान शिव भयंकर रूप धारण कर सूर्य के समान तेज वाला सुदर्शन चक्र जलंधर को लक्ष्य बनाकर छोड़ते हैं। यह समस्त पृथ्वी आकाश को अलौकिक कर पृथ्वी लोक पर आकर महाबली जलंधर का सिर धड़ से अलग कर देता है। उसका सिर भयंकर शब्द नाद करता हुआ दूर गिरता है और उसमें से तेज निकलकर भगवान शिव में समा जाता है। वृंदा के शरीर का तेज माता गौरी के शरीर में विलीन हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता आनंद का अनुभव कर संतोष की सांस लेते हैं और शिव जी को प्रणाम कर समस्त श्री हर को वृतांत सुनाते हैं। भगवान शिव की स्तुति करते हुए देवता कहते हैं कि आपने हमारे परम शत्रु का संहार कर हमें भय से मुक्त किया है, परंतु अब भय इस बात का है कि वृंदा की मृत्यु के मोह से ग्रस्त होकर श्री हर विष्णु उसकी चिता की राख में लौट रहे हैं। हे प्रभु, हम क्या करें? तब भगवान
सिर्फ देवताओं से कहते हैं कि विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण मोहिनी नाम की माया की शरण में जाओ, वही तुम्हारे कार्यों को सिद्ध करेंगी। नारद जी कहते हैं कि राजन ऐसा कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। समस्त देवता भक्तों की रक्षा करने वाली मूल प्रवृत्ति योग माया की स्तुति करते हैं, जिसमें सतोगुण रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न हुए थे। उन्हीं की इच्छा से संसार की उत्पत्ति व संहार होता है। उस मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। जो प्रकृति अपने 23 गुणों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जिनके रूप कर्म आदि का गुणगान तीनों देवता भी नहीं कर सकते, उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जिन्हें अपने भक्त प्रिय हैं, जिसके भक्तों को दुख दरिद्र भय मोह तिरस्कार आज छू भी नहीं सकते, उस भक्त वत्सल मूल प्रकृति को हम बार बार नमस्कार करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस स्रोत का एकाग्र मन से त्रिकाल फाट करता है, उस व्यक्ति को दुख दरिद्र और मोह छू भी नहीं सकते। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक ज्वाला जो दसों दिशाओं में फैल रही थी देखी। ऐसे महान तेज को देखते ही वह उसी तेज के बीच से आकाशवाणी होती है। वह शक्ति बोली, मैं ही तीन प्रकार से तीनों गुणों के रूप में व्यक्तियों में रहती हैं। इस प्रकार गौरी लक्ष्मी सरस्वती ये तीनों मेरे ही स्वरूप हैं। रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये सब मेरे ही गुण हैं। अतः ही देवताओं तुम उन्हीं के पास जाओ, वे तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। नारद जी कहते हैं, आकाशवाणी को सुन विस्मय युक्त देवता ऐसा ही करते हैं। वह तेज विलुप्त हो जाता है, फिर सभी देवता आकाशवाणी को सत्य मानकर गौरी लक्ष्मी और सरस्वती जी के पास जाकर भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं। तब भक्त वत्सल देवियों ने देवताओं को शरण में आया देखकर उन्हें बीज हाथ में देकर बोली, इन बीजों को श्री हर विष्णु के पास जाकर बो दो, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। महेश नारद जी राजा प्रथु से कहते हैं कि तदंतर देवताओं ने शिव जी के समूह को साथ ले इन बीजों को वहाँ बो दिया जहाँ श्री हर वृंदा की चिता की राख में विराज रहे थे। यह सत्य वचन का महात्म्य जो हमने तुमसे कहा, उसको एकाग्र चित्त होकर कहने या सुनने वालों के किसी भी कार्य में कभी भी विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होती और अंत काल में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस स्रोत का श्रवण करने वाले पुत्रहीन स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। इससे आगे की कथा को आप कार्तिक महात्म्य के 18वें अध्याय में श्रवण कर सकेंगे। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हर सहित माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।